ये गुपकार अलायंस का ये पाकिस्तानी प्रेम जाता क्यों नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। आप खुले मन से कश्मीर की बात कीजिए, वहां के विकास को लेकर, वहां के नागरिकों को लेकर, रोजगार को लेकर, ये ज्यादा मुद्दे अहम है या फिर पाकिस्तान को खींच कर लाया जाए कि नहीं नहीं पाकिस्तान से भी आप बातचीत कीजिए, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बातचीत में यकीन रखती है, एक सेक्युलर पार्टी है और इसका जड़े जो जम्मू कश्मीर में है, जो एक नेशनलिस्ट जिसको कहते हैं जो पार्टी है। लेकिन जहां तक ये एक अलायंस है, चार पांच पार्टियों का जो एक अलायंस बनाया, गुपकार अलायंस जिसको आप कहते हैं, तो उस हिसाब से एक एजेंडा इन्होंने फ्रेम किया है मिलके के किन किन मुद्दों पे बात की जाए, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए पाकिस्तान से। इसलिए मेरे ख्याल से बात करने की बात की होगी, पाकिस्तान ही है जो इस वक्त यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है, वो पाकिस्तान की शय पे ही सारा कुछ हो रहा है कश्मीर में। हजारों लोग यहाँ देखिए कितने मारे गए, हटने के बाद एक गड़बड़ शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में। उसके पहले अमन चैन और शांति थी वहां पर, और सात पार्टियां हैं सर, आपकी जानकारी के लिए, गुपकार में सात पार्टियां हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आगे का रास्ता हो जम्मू कश्मीर में, फिर से अमन लौट आए, यहाँ पे तरक्की की बात की जाए, जैसे आप कहती है यहाँ पाकिस्तान का जो दुष्प्रचार वाला एजेंडा है दुनिया भर में हिंदुस्तान को लेकर वो आगे बढ़ता है, उसको आप लोग बल दे रहे हैं अपनी इन बातों से। अब पाकिस्तान को मेज पर अगर डायलॉग के लेकर आया जाए तो हमारी जमात ने पाकिस्तान को साथ ना कोई कभी समझौता किया, और हमने हमेशा उस चीज को रिजेक्ट किया है, और आगे भी हमारा जो स्टैंड है पार्टी का। लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर इस देश में, इस प्रदेश में यहाँ पे अमन आए, अमन की बात हो, तो एक जैसे सरकार तो दावा कर रही है ना कि 370 हटने के बाद आप देखिए किस तरह से अमन कायम है। अगर छिटपुट कुछ हिंसा की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ऑपरेशन ऑल आउट जो आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिली है। ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती, किस तरह का इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहां पर, क्या वो आपको दिखाई नहीं देता है सर? लंबी फहरिस्त है, विकास की बात कीजिए ना, पाकिस्तान को लेकर बार बार क्यों आते हैं अशोक पंडित जी? ठीक है, समझ गए आपकी बात सर, हो गई। आप एक तरफा बोलेंगे ऐसे, बाकी लोगों को भी सुनिए। चित्रा जी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेना है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसके साथ चित्रा जी, अफसोस इस बात का है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये सब लोगों ने मिलकर कश्मीर में एक किस्म का आतंक मचा के रखा हुआ था। अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो आपके शो में, वो कह रही है कि इंटरनेट खत्म हो गया था, इनको अंदर डाल दिया गया था। अरे किनको अंदर डाला था? ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में बाकायदा टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की भाषा ही हरबत की है, जो रिस्पॉन्सिबल है 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन और उनके जेनोसाइड के लिए। आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जब नहीं होता है बात कर रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं दिल्ली? मेरे इंटेंशन को या मेरे एग्जिस्टेंस को आप सवाल नहीं उठा सकते। आप रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर में टेररिज्म को लेके, आप रिस्पॉन्सिबल है हमारे मौतों को, आप रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर को नर्क बनाने में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं देख सकते। हमारी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसका विरोध किया था, विरोध किया था मंदिर तोड़े, लेकिन फारूक साहब की बात इन्होंने कश्मीर में। आप क्या हमें बता रहे हो? वही लोग हैं आप जो ने कश्मीर में बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए, इन्होंने कश्मीर में बिरयानी खा के आए। हमें बात बताइए, चाहते हैं आपको कश्मीर जम्मू में शांति हो, कुछ भी नहीं पता है, चाहते आप कैसे बता सकते हो? ये नहीं चाहते कि कश्मीर के हिंदू वापस कश्मीर लौटे, ये नहीं चाहते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके साथ किसी भी किस्म की पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर को फिर 1990 में ले जाएगी, और इसका भरकम बहुत भारी तरीके से करना पड़ेगा। ये बात है ना जब्बार साहब, अगर किसी ने अपनों को खोया है तो वहाँ पर अमन शांति अगर कायम हो रही है तो आप वहाँ पे अमन की और
शांति की बात क्यों नहीं करते हैं? यही तो सवाल है कि ये 70 नंबर कश्मीर को जब तक नहीं मिलना चाहते हैं कैसे साथ आप ये ना वही लोग बात कर भी नहीं जाती इस बार जब बात करी है ये अमन नहीं चाहते ये कश्मीर में अमन नहीं चाहते ये कश्मीर में शांति नहीं चाहते ये नहीं चाहते कि कश्मीर वापस लौटे आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है इसलिए ये बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं इनका तो दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए इनका दिल हिंदुस्तान के लिए नहीं धड़कता इनका दिल हिंदुस्तान के लिए नहीं धड़केगा पिछले 70 साल इन्होंने हिंदुस्तान की बात नहीं की है हम आपको लेने कहते हैं हिंदुस्तान की बात कैसे करेंगे इनको इनको एनकरेज करना इनको पता ही नहीं है ये बहुत बड़ी भूल होगी अरे प्लीज एक एक करके हो गई जवाहर साहब आपकी बात हो गई ठीक है अमन शांति और विकास की बात करनी चाहिए आप लोगों को जहाँ पर चुनाव हो स्टेट का दर्जा बहाल हो उस पर बात करनी चाहिए पाकिस्तान के रास्ते बोलना सीखिए इस बात जब आपके लिए भी और नजमो साहब के लिए भी